हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा फेस कैम वीडियो बनाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फेस कैम वीडियो बनाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो ही बनाता था, पर 2-3 दिन पहले मैंने फेस रिवील किया है और अब मैं फेस कैम वीडियो बनाता तो फेस कैम वीडियो बनाता हूं, तो मुझे क्या फायदा हुआ है दोस्तों फेस कैम वीडियो बनाने में। और मैं आपको इस वीडियो में 3 फायदे बताऊंगा फेस कैम वीडियो के। तो दोस्तों, ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक का पूरा देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे होगी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आपको फेस कैम वीडियो बनाना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में 3 फायदे फेस कैम वीडियो बनाने के बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा है मोनेटाइजेशन को लेकर। दोस्तों, अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तुलना में पहले होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप वीडियो बनाते हो तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, आपका भी होगा, पर अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हो पहले होगा, क्योंकि जब आपका चैनल यूट्यूब के रिव्यू में जाएगा तो यूट्यूब देखेगा कि इन्होंने तो फेस रिवील किया है, अपना खुद का कॉन्टेंट बनाते हैं, तो अगर आपने और कोई गलती नहीं की है तो आपका चैनल पहले मोनेटाइज होगा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो करते हैं उनका भी चैनल मोनेटाइज होगा, पर फेस कैम वीडियो वालों का पहले दोस्तों चैनल मोनेटाइज होगा। दूसरा फायदा है दोस्तों अट्रैक्शन। अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं तो व्यूवर आपको देखते हैं कि कौन है ये, कहां से रहता है, क्या करता है, आपकी पर्सनल बातें भी वो मतलब जानता है, आपका नाम वगैरह सब कुछ जानता है। पर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हो तो ना तो वो आपका फेस जानता है, कुछ भी नहीं जानता आपके बारे में, बस ये पता है कि वीडियो बनाते हो। और अगर आप फेस कैम वीडियोस बनाते हो तो दोस्तों, जैसे मैं बना रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने बैठ के ही बता रहा है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। लोग बाग आपको जानते हैं और आपसे जुड़ते हैं फेस कैम वीडियो बनाने पर ही। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाओगे तो आपको कोई भी नहीं जान पाएगा, तो ये दूसरा बड़ा फायदा है। और तीसरा दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा है टाइम की बचत होती है अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं। अब आप पूछोगे कि कैसे। दोस्तों, जैसे पहले मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाता था तो मुझे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना पड़ता था, फिर मुझे इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ती थी, उसी टॉपिक से रिलेटेड इमेजेस लगानी पड़ती है। और अब फेस कैम वीडियो बनाता हूं तो कैमरे के सामने बैठ जाता हूं, जो भी मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है वही फेस कैम में लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, वो टाइम भी मेरा बच जाता है। और दोस्तों, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आपको इमेजेस की भी जरूरत पड़ती है, और अब आर्टिकल 13 जैसा एक नियम लागू हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था, आर्टिकल 13 पर आई बटन पे आपको लिंक मिल रहा होगा, जिसमें दोस्तों अगर आप कॉपीराइटेड इमेज देते हैं तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है, तो उससे भी हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 बड़े फायदे थे फेस कैम वीडियो बनाने के। मुझे आशा है अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो आप भी फेस कैम वीडियो बनाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा फेस कैम वीडियो बनाकर। अगर इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्मार्ट केशव ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।